सो हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों बाद जाकर के आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है। आईपीयू वाले बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा स्पॉट राउंड के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। स्पॉट राउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्या स्पॉट राउंड में बहुत बड़ा चेंजेस है, क्या हमें बहुत सारी सीट्स मिल सकती हैं, क्या हमें डिज़ायर्ड कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में हो रहा होगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको स्पॉट राउंड के रिलेटेड कैसे क्या स्केड्यूल है, कितनी क्या सीट्स वेकेंट बची हैं, ये सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है, इसलिए ध्यान से सारी चीजें देखना। तो अभी जाकर के हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप सभी को जाकर के सारी चीज समझाते हैं, बट ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ी चीजें भी मिस आउट करते हो, क्योंकि स्पॉट राउंड एक जैकपॉट राउंड होता है और जैकपॉट में सब चाहते हो ना कुछ मालामाल हो, अच्छा कॉलेज मिले, चाहते हो या नहीं बताओ यार। ऑब्वियसली सब चाहते हैं, जिनको कॉलेज ऑलरेडी मिल रखा है वो बच्चे भी आ सकते हैं, जिनको नहीं मिला हुआ है वो बच्चे भी आ सकते हैं। ऑल ओवर द इंडिया के कोई सा भी कैंडिडेट, जिस बच्चे ने जेई मेंस दे रखा है, सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जाके पूरा देखो, अभी पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से सारी चीज़ें देखना, मिस आउट कुछ मत करना। तो सबसे पहले तो अपने वेकेंट सीट्स देख लेते हैं कि कितने कॉलेजेस में हमारे पास वेकेंट सीट्स हैं। बीपीआईटी कॉलेज देख सकते हो यार, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेटा साइंस 14 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 25, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस की दिखा देता हूँ, और आईटी के देखो 33, भगवान परशुराम, विद्यापीठ की कंप्यूटर साइंस की 28, ठीक है, 1 कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, बहुत ही कतई जहर हो रहा है यार, इतनी सीट्स यार बहुत बच्चे। ईसी में 60 सीट्स, भारतीय विद्यापीठ बच्चों का सपना है, आईटी 42 ब्रांच, 42 बीएम इंस्टीट्यूट, ये सब हरियाणा का तो नहीं दिखाऊंगा, अच्छे कॉलेजेस का ही दिखाऊंगा। अखिलेश दास गुप्ता आर्टिफिशियल 21 सीट्स, सिविल के 41, कंप्यूटर साइंस के ओनली 24, कंप्यूटर साइंस जो कोर है 9 सीट्स आर देयर, ठीक है। तो ये यहाँ इतनी ईसी में इतनी, अखिलेश दास हो गया ग्रेटर नोएडा, नहीं गुरु तेग बहादुर 34 सीट्स, एआई एंड डेटा साइंस में, एआई एंड एमएल में 35, मेन जो कंप्यूटर साइंस है उसमें 11, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, एचएमआर में भी देख सकते हो 46 सीट्स, यहाँ तो लग रहा है भरी ही नहीं तो ऐसा हालत है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, महाराजा अग्रसेन में आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 13, भैया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि कोर है 39 सीट्स, मज़ा आया सुन के, यानी कि अभी भी एमएआईटी के अंदर चांस है यार सीएससी मिलने का, ठीक है। और सीएससी शिफ्ट 2 में 7 ही हैं और सीएससी शिफ्ट 1 में 39, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस हिसाब से वेकेंट सीट्स बची हैं, बिल्कुल भी समझ के परे है, ठीक है। इसके बाद बात करें इसके आईटी ब्रांच 33 सीट्स, आईटी एंड ई जो है उसमें आपकी 14 सीट्स, ठीक है। महाराजा अग्रसेन सूरजमल पे आ जाएं तो उसकी कंप्यूटर साइंस में 30 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शिफ्ट 2 में 15 सीट्स, इलेक्ट्रिकल में 19, मतलब इससे क्या समझ आ रहा है यार कि इस बार ना बड़ा फायदा होगा बच्चों को, इस बार बहुत अच्छी सीट्स मिलने वाली हैं, ठीक है। बहुत फायदा ऑब्वियसली यार, स्पॉट में तो पार्टिसिपेट करना सबको बनता है, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया, ठीक है ना। और यहाँ थोड़ा नीचे चले जाते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है, USICT, IUSCT, ये सब जो है बच्चे हैं, बायोकेमिकल 13, केमिकल 17, कंप्यूटर साइंस की 20 सीटें, भैया क्या करके मानोगे, बच्चे तो पूरे खुश हैं, ईसी 30, USICT का चांस है, आईटी ब्रांच है 20 सीट्स आर ऑल्सो देयर, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इतनी सीट्स हो गई हैं, अब चलते हैं स्केड्यूल समझते हैं हम। देखो यार, वैकेंसीज तो मैंने बता दी क्या क्या वैकेंसीज हैं, आगे क्या प्रोसेस चलेगा, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ बताएंगे, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये इस साल का लास्ट मौका है और इस लास्ट मौके पे चौके की जगह छक्का मारना है, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग सही नहीं हुई ना तो फिर बेकार हो जाएगा आपका स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी चाहते हो कि यार स्पॉट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिल्कुल कुछ अच्छा खासा निकाल करके जाएं, एक बढ़िया कॉलेज निकाल करके जाएं अपनी रैंक पे, क्योंकि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। तो आप लोग अगर ऐसा चाह रहे हो कि आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज स्पॉट के अंदर मिल जाए, यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट, जिसका प्राइस आप सभी के लिए ओनली एट अ प्राइस ऑफ 1500 रुपीज़, 1500 रुपये में आपकी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग हो रही है। किस चीज़ का अब इंतज़ार रह गया, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो, ज्वाइन करते ही आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग हम खुद से कर देंगे, गो एंड ज्वाइन इट नाउ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बच्चे सोचते हैं हम बेचने में रहते हैं, लेकिन जो ज्वाइन हुए हैं उनको अपना डिज़ायर्ड कॉलेज मिल चुका है ऑलरेडी जो पहले से हैं, आप किस चीज़ का इंतज़ार करो, जाओ
और ज्वाइन करो। देखो स्केड्यूल की तरफ हम आ चुके हैं, स्केड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये सब कुछ भी नहीं है, यहाँ हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा हमारा जो है, मेन मुद्दा देखो यार, 9 तारीख यानी कि आज है 9 तारीख, 9 तारीख के शाम के 4 बजे से देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है हमारा। 11 तारीख 11:50 तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। अब रजिस्ट्रेशन में बच्चों को कन्फ्यूज़न आएगी कैसे क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। फ्रेश हो, बिल्कुल बिल्कुल ही फ्रेश हो, अभी तक IPU का नाम नहीं सुना था, कुछ भी नहीं किया, 2700 रुपये पूरे जमा करने पड़ेंगे, डैट्स इट, ठीक है। कितने? 2700 रुपीस जमा करने पड़ेंगे। अगर ऑलरेडी आप 1000 रुपीस दे चुके हो शुरुआत में, अगर आप दे चुके हो 1000 रुपीस, तो अभी आपको 1200 पे करना पड़ेगा, 500 और पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें और करनी पड़ेंगी, समझ आ गया। एंड अगर आपने 2200 ऑलरेडी पे कर दिया, यानी कि अगर आपको कोई सीट मिली हुई होगी तब आपने 2200 पे किए, या 2200 पे किए लेकिन कोई भी सीट नहीं मिली नॉर्मल राउंडों में, तो बस 500 रुपये अभी देने पड़ेंगे, यानी कि स्पॉट की फीस ओनली 500 है। बट अगर आपने ऑलरेडी पहले सीटें नहीं मिली है, ऐसा कुछ हुआ है प्रॉब्लम, तो भैया आपको इतने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे बच्चों के लिए सेम टाइमिंग है, 9 से लेके 11 तक और रात के 11:50 तक, ठीक है। अभी कुछ भी आया नहीं है। वेरिफिकेशन यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीज़ें अपलोड करने वाले हो, कोई रिजर्वेशन होगा तो उसका वेरिफिकेशन भी 13 तारीख के रात के 11:50 तक हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ आपको पता चल गई। और फिलिंग ऑफ चॉइसेस, चॉइसेस कब से भरेंगे? आज ही शाम 4 बजे से शुरू हो चुका है, एंड 11 तारीख के वही सेम डेट 11:50 तक चॉइसेस होने वाली है। एंड ये स्पॉट राउंड 1 है, स्पॉट राउंड 1 यानी कि यहाँ पर जितनी सीट्स भरी हैं वो कोशिश करेंगे कि बहुत सारे बच्चे भर जाएँ, ठीक है। अगर फिर भी इनके पास सीट्स बचती हैं तो स्पॉट राउंड 2 भी कंडक्ट हो सकता है, एंड डिक्लेरेशन इसका आने वाला है 14 तारीख को, बहुत ही जल्दी है, ठीक है। तो किस चीज़ का इंतजार है यार, सभी बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए स्पॉट राउंड, जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है उनको भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है पैसा ट्रांसफ़र होना, ठीक है। कोई कॉलेज मिल गया है तो पैसे ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कोई इतना दिमाग नहीं करना पड़ेगा विदड्रॉ कराओ ये कराओ, ऐसे झंझट में नहीं पड़ने वाले हो। मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा कि भैया जाके ज्वाइन करो, ठीक है, स्पॉट राउंड ज्वाइन करो, ओके। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, फिर भी कुछ डाउट्स बचते हैं दिमाग में, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, जिससे कि यार आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग जर्नी हो जाए और बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए। सो ज्वाइन इट नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।